أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف تلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاف محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سورة احزاب کی اس آیت کو عنوان بنا کر اسوہ رسول اور قرآن پر مسلسل گفتگو کی گئی آپ آج آٹھویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب یہاں صرف دو تقریریں رہ جاتی ہیں خواہش یہ ہے کہ تقریروں کا تسلسل ہم کو اس قابل رکھے کہ ہم ان مجلسوں کے بعد کی تقریروں میں قرآن حرف آخر ہے کہ عنوان پر جب گفتگو کریں تو ان تقریروں سے ہم کو
बड़ी मदद मिले। आपको इसका तो इल्म है कि जो कुछ कहा जा रहा है या जिन मनाजिल तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है वो दफ़ुल वक्ती नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि वक्त गुजर जाए, बल्कि एक तदरीस है, एक तफहीम है, एक तालीम है, एक पैगाम है, जो ये तो नहीं कहता कि आपके लिए है, बल्कि ये कहता हूं कि आपके तवस्सुत से उन नौजवान शादाब दिमागों के लिए है जो मसाइल को आपसे लेकर महफूज करें और फिर इसी तरह से आने वाली नस्लों तक पहुंचा दें। जो कुछ भी कहा गया वो महफूज है, फिर जिस तरह से आप सुन रहे हैं मेरे हजारों अहबाब मुख्तलिफ मकामात पर इन तकरीरों को और रिले पर सुन रहे हैं, उनसे भी यही दरखास्त है कि वो मसाइल को महफूज करें। दुनिया में एक आम मकतूबी या गैर मकतूबी कानून यह रहा है कि किसी न किसी को इख्तियार आखिर सुपुर्द किया जाए कि अब उसके बाद फिर कोई हुज्जत ना रहे, मकतूबी या गैर मकतूबी कानून जहां भी है। बरतानिया का कानून यह है कि अगर वहां का बादशाह या मलिका हुक्म दे दे तो फिर उसके बाद किसी को इख्तियार नहीं है कि उस हुक्म के खिलाफ गुफ्तगू करे। दूसरी रियासतों में भी सियासत के एतबार से सुप्रीम पावर पर गुफ्तगू होती है कि इख्तियार आला किसके पास है, और आजकल तो ये बहस हमारे पास बड़ी तेज है कि फैसला करने वाली ताकत कौन होगी। इस्लाम के एतबार से हमारी मुसलसल गुफ्तगू यह है कि जाते वाजिब ने अपनी निगाहों में रखकर अपनी निगरानी में परवरिश फरमाकर अपने साये आतिफत में परवान चढ़ाकर नबुव्वत के घराने में इस्तफा की मंजिल पर चुनते चुनते उस मंजिल पर पहुंचाकर कि जहां उसके बाद फिर इस्तफा नामुमकिन था। उस मंजिल पर पहुंचाकर एक इंसान को ताबे वही बनाया, उसके नुत्क को वही करार दिया, उसकी बातों को कलाम इलाही का मकाम अता हुआ, और फिर यह भी कि जो उसकी इताअत करे गोया उसने रसूल की इताअत की, और जो रसूल की इताअत करे उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह का इताअत करने वाला रसूल का इताअत करने वाला, रसूल का इताअत करने वाला अल्लाह का इताअत करने वाला करार पाए। मैं युतिर रसूल फकत अता अल्लाह। और जैसा कि कल कहा जा रहा था जिसने रसूल के हाथ से बैत की उसने अल्लाह के हाथ से बैत की,
इन्नल्लज़ीना युबायउनका इन्नमा युबायउना अल्लाह, जो लोग तेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं वो अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे हैं। मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, तूने वो मुट्ठी मिट्टी नहीं फेंकी, जब तूने वो कंकरियां फेंकी तो गोया हमारे दस्ते अक़दस से हमने फेंका। तो इतनी बुलंदियों के बाद वो इख्तियार कुल अता किया कि जिस इख्तियार कुल की मिसाल दुनिया के कानून में नहीं मिलती। दुनिया के किसी सॉवरेन पावर को इतना इख्तियार नहीं दिया जितना अपने रसूल को दिया। दुनिया की किसी इख्तदार आला की कोई तारीफ ही ऐसी नहीं की जा सकती जो कतमी मर्तबत के इख्तियार और इख्तदार की तारीफ है। सूरह हश्र में वाज़ह कर दिया इख्तियार की इंतहा यह है, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहू वमा नहाकुमनहू फंतहू, जो रसूल लाए ले लो, जिसे रसूल रोक दे रुक जाओ। तो इतना इख्तियार देकर फिर उसके बाद इस आमर पर तहदीद की यह गुफ्तगू थी और अब सिलसिला वहीं से चल रहा है। इस आमर की तहदीद की, इस आमर पर हुक्म दिया कि तुम कहो, तुम, यह भी वही है कि तुम कहो कि यह रास्ता मेरा है। कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन तबअनी, ये रास्ता मेरा है और मैं अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूं उस बसीरत के साथ जो मुझको हासिल है और उस बसीरत के साथ जो मेरी पैरवी करने वालों को हासिल है। हाज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है। तो अब ऐसी मंजिल पर एक मर्तबा हमको ये देखना है कि अगर ये निस्बत भी ज़ाते वाजिब की तरफ हो जाती कि नहीं ये सबील इलाही है, ये भी कह दिया जाता कि तुम्हारा काम तो फकत एक पैगंबर का है, नामाबर का है, डाकिये का है, खतूत रसा का काम है, बस तुम हमारा पैगाम पहुंचा दो, बंदों को हमारी तरफ पहुंचा दो, हमसे मिला दो, हम जाने और बंदे जाने, ये नहीं कहा। जिम्मेदारियां दे दी और इतनी जिम्मेदारियां दी कि उसका अंदाजा करने के लिए कुरान मजीद को कभी कभी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी हुदन लिल मुत्तकीन से लेके वन नास की सीन तक पढ़ना पड़ता है कि ये अंदाजा चलाएं कि शख्सियत पैगंबर क्या है। तो पूरा कुरान इस उसवे पर गवाह है के बावजूद उस तवाज़ो के, बावजूद उस फुरोतनी के, बावजूद उस इनकसारी के, बावजूद उस कमगोई के, बावजूद उस अखलाक के, बावजूद उस बंदगी की कैफियत तमाम के ये कहना कि ये मेरा रास्ता है। हाँ वही सबीली, ये मेरा रास्ता, मैं बुला रहा हूं। तो क्यों कहा? हुक्म था और हुक्म था तो इस शान से हुक्म आया कि फिर उसके बाद आवाज आई वो मन जो शाकिर रसूल मिन बाद मा तबयन लहुल हुदा वो यत्तबع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا, जो मेरे रसूल से बिगड़ कर जाए हिदायतों के पहुंच जाने के बावजूद, जो मेरे रसूल से इंशिकाक पैदा करे, वह मैं युशाकिर रसूल, जो रसूल से बिगड़ जाए हिदायतों के आने के बाद,
اور صاحبان ایمان سے ہٹ کر راستہ اختیار کرے تو جدھر منہ پھیر کے جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں, واپس نہیں لاتے. جاؤ بگڑ کے جا رہا ہے, جاؤ میرے رسول سے بگڑ کے جا رہا ہے. دیکھا آپ نے, اتنا اختیار دیا کہ اگر تم سے بگڑ کے جائے گا تو ہم واپس نہیں لائیں گے, ہم واپس نہیں لائیں گے. اس لیے کہ باوجود اس کے کہ ہم رحمان ہیں, ہم رحیم ہیں, ہم اصل رحمت و عین رحمت ہیں, اس کے باوجود حبیب ہماری رحمت کا مظہر و مرکز تم ہو. جو تم سے بگڑ کے جائے گا اس کو ہم واپس نہیں لائیں گے. جدھر منہ موڑ کے جاتا ہے ادھر جانے دیں گے, نسلہی جہنم, یہاں تک کہ جہنم تک پہنچا دیں گے. برا مقام ہے, برا مستقر ہے, جانے دو. تو آپ نے دیکھا, اس اقتدار پر فائز ہو کر نبی اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی ایسا کام تو نہیں کر سکتا کہ جس کے لیے کوئی تاریخ کا لکھنے والا یہ کہے کہ یہ اقربا پروری تھی, یہ بچوں کی محبت تھی, یہ عزیزوں کا لگاؤ تھا, یہ بیٹی سے رابطہ تھا, یہ داماد سے محبت تھی. کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر کسی نے آنے واحد کے لیے سوچنے کی کوشش کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اسوہ رسول کو قرآن کی نگاہ سے نہیں دیکھا. آئیے اس منزل پر ایک موقف کی وضاحت کرتے ہیں. دو دن پہلے ایک آیت پہ گفتگو ہو رہی تھی سورہ حج کی, اور وہ گفتگو کی وضاحت اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ شک دور ہو جائے کہ کیا پیغمبر کبھی کبھی ایسی باتیں بھی کرتا ہے کہ جہاں مفاد ذاتی ہو. تو اس کے لیے جو آیت پڑھی گئی وہ یہ آیت تھی سورہ حج کی کہ ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسق اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته. تجھ سے پہلے ہم نے کسی رسول اور نبی کو نہیں بھیجا مگر ہی کہ جب اس نے تمنا کی تو شیطان اس کی تمناؤں میں داخل ہو گیا, تو اللہ نے شیطان کی اس مداخلت کو منسوخ کیا, اپنی آیتوں کو محکم کیا. یہ دو دن پہلے گفتگو ہو رہی تھی, میں نے واضح کیا کہ تمنا میں داخل ہوا وہ شیطان جو روز اول یہ ڈر کے کہہ رہا تھا کہ سب کو بہکاؤں گا, تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا, تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا. تو نبی کے پاس شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ نہیں آتا ہے. مگر نبی کی تمنا کیا ہے؟ نبی کی تمنا یہ ہے کہ امت رہے حق پر آئے, امت خدا کی طرف جائے. نبی کی تمنا یہ ہے کہ امت جنت تک پہنچ جائے. شیطان ہارج ہو رہا ہے نبی کی تمنا میں, اور نبی کی تمنا میں ہارج ہو کر قلب رسول میں تو آ نہیں سکتا. پہلے یہ طے کر لیجئے, شیطان قلب رسول میں تو نہیں آ سکتا, اس لیے کہ قلب رسول تو وحی الہی کا مرکز ہے. قلب رسول تو وحی الہی کا مرکز ہے, جہاں کہا گیا نزل به الروح الامین علی قلبک, تیرے دل پہ تو روح امین آتا ہے, تو روح امین کی گنجائش ہے وہاں, کسی اور کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ آیت میں نے یہاں تک پڑھی تھی دو دن پہلے. اب اس کے بعد ہی جو آیت ہے وہ آج آپ سن لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ شیطان کہاں گیا, شیطان نے کس کو بہکایا. لیجعل, اسی کے بعد کی آیت سورہ حج کی, لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیت قلوبہم, تاکہ دنیا جان لے
कि शैतान ने एक फितना फैलाया उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी थी या जिनके दिल शकी हो गए थे, कसावत कल्बी के कमाल पे पहुंच गए थे, और इन ज़ालिमीना लफी शकाकिम बहीर, और जुल्म करने वालों के लिए तो दूर की शकावत है, दूर का इन शकाक है। तो अब आयत मुकम्मल हुई कि शैतान ने तमन्ना में दाखिल होकर उन लोगों के दिलों में राह पैदा की जिनके दिलों में पहले से बीमारियां थीं, पहले से बीमारियां थीं, पहले से वसवसे थे, पहले से शकूक थे, शुबहात थे। शैतान ने वहां जगह की और वसवसा ये पैदा किया कि पूछो तो इतना इख्तदार इसको कहां से मिला। इतनी गुफ्तगू के बाद बात समझ गए, शैतान वसवसा ये पैदा करता है कि इतना इख्तदार कहां से मिला, इतना इख्तदार कहां से मिला। अगर दावत ज़ुल-अशीरा में किसी बच्चे का हाथ थामे तो जब भी यही शुभा पैदा करे, अगर गदीर के मौके पर किसी को बुलंद करे जब भी यही शुभा पैदा करे कि ये इख्तियार कहां से मिला। उसका काम ही यह है कि इख्तदार कहां से आया ये वसवसा डाले। नबी को इख्तदार कहां, नबी को ये इख्तियार कहां। हम इख्तियार नबी पर बहस कर रहे हैं, इख्तदार नबी पर बहस कर रहे हैं। सुप्रीम पावर है इस्लाम का, सुप्रीम पावर है। तो तारीख इस्लाम के सफहात को तो पूरी नबी की जिंदगी से भर जाना चाहिए, शुरू से आखिर तक, यहां से लेके कयामत तक। इसलिए कि नबी की जिंदगी खत्म न होने वाली जिंदगी है। अब इस मकाम पर चंद बातें, बड़ा बहुत जरूरी। ये जिस मकाम पे सूरह निसा में ये आयत आई, मन युतिउर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की। ये जैसे भी आप इसको देखें, मन युतिउर रसूल फकद अता अल्लाह, मुतीउर रसूल मुतीउर इलाही है। इसके बाद का सिलसिला सुनिए, लौ अन्नहुम इज ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का। अब ऐ रसूल, वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अगर वो तेरे पास आए, लौ अन्नहुम इज ज़लमू अनफुसहुम, वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, जाऊ का वस्तग़फिरुल्लाह, अपने नफ्सों पर जिन्होंने जुल्म किया है अगर वो हमसे तलब मग़फ़िरत करें, वस्तग़फरा लहुमुर रसूलो, और जिनके लिए रसूल तलब मग़फ़िरत करे, लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा, तो वो अल्लाह को तौबा का कबूल करने वाला पाएंगे बशर्ते के रसूल तलब मग़फ़िरत करे। लौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का वस्तग़फरुल्लाह, अगर वो लोग जो जुल्म अपने नफ्सों पर जुल्म कर चुके हों वो तेरे पास आए और अल्लाह से तलब मग़फ़िरत करें। आयत खत्म नहीं हुई कि हम तौबा को कबूल कर लेंगे, नहीं, वस्तग़फरा लहुमुर रसूलो, उनके लिए रसूल भी सिफारिश करे, उनके लिए रसूल तलब मग़फ़िरत करे, उनके लिए रसूल इस्तग़फार करे, तो उस वक्त अल्लाह को तौबा का कबूल करने वाला पाएंगे। यह आयत सूरह निसा की है। आज आपको मालूम है हज को जाने वालों के लिए यह हुक्म है कि जब वो मदीना पहुंचे और कब्र रसूल पर पहुंचे तो इस आयत की तिलावत करें, इस आयत की तिलावत करें कि लौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का वस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूलो लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा, और उसके बाद ये कहें अल्लाह के रसूल
मैं तलब मग़फ़िरत चाहता हूँ, अब तू मेरी सिफारिश कर, तो यहाँ तक जिंदगी है रसूल की। रसूल की यहाँ तक जिंदगी है, और जब तक कुरान बाकी है, ये आयत बाकी है, फरीदा हज बाकी है, मदीने को जाने वाले बाकी हैं, बराबर ये आयत पढ़ी जाती रहेगी और बराबर ये सलाम होता रहेगा कि आप हमारे लिए तलब मग़फ़िरत करें, तो कयामत में शफाअत तो और है, दुनिया में भी इस तरह से रसूल से काम करता है। ये सूरह निसा की आयत है, इस पे जितनी गुफ्तगू हो रही है, कोई हदीस पे गुफ्तगू नहीं हो रही है, आप देख रहे हैं उसवाए रसूल और कुरान, सिर्फ हम कुरान की उन आयतों से बहस कर रहे हैं जहां इख्तियार रसूल को पेश किया, इख्तियार रसूल को पेश किया है, और ये बतलाने की कोशिश की है कि अपने नबी को तो पहचानो। अगर ये तलब मग़फ़िरत न करे और तुम अगर बाला बाला इबादत करके मेरे पास आओ, अगर तुम बाला बाला इबादत करके रास मेरे पास डायरेक्ट आ जाओ और ये समझ के आओ कि मैं तुम्हारी बंदगी को कदर की निगाहों से देखूंगा, तो गलत है, बंदगी ठुकरा दी जाएगी। इसलिए कि नबी को छोड़ के कोई बंदगी हो नहीं सकती। इमाम शाफी रहमतुल्ला अलैह फरमाते थे, अय आले मोहम्मद, मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, जो तुम पर दुरूद न भेजे उसकी नमाज कबूल नहीं है। ये हयात रिसालत है और उसकी जावेदानियत है, वो आज मुहित है, आज हमको उसी हयात से रब्त है, आज हमारे लिए भी वो सुप्रीम पावर है, वो इख्तदार आला है, और इस तरह से उस हयात को कुरान मजीद ने इस अंदाज में पेश किया, इस अंदाज में पेश किया कि जगह जगह बाज वक्त तो हैरानी होती है कि इतना इख्तियार दिया कि मालूम होता है कि अब जो कुछ है हबीब, अब तुम्हारा मशवरा। यानी कभी कभी एक अकीदा है, देखिए एक लफ्ज है वो गलत है, अकीदा गलत है, वो उसको मुफव्वज़ा कहते हैं, मीम फे वाव वा थे, मुफव्वज़ा यानी तफवीज कर देने वाला अकीदा, कि खुदा ने पैदा करके किसी को किसी ये काम तफवीज कर दिया कि तुम जानो ये काम जाने, ये ग्रोह है ऐसा, मगर ये हमारा अकीदा नहीं है, हम मुफव्वज़ा नहीं है। यानी ये नहीं कि मोहम्मद के तफवीज करके खुद गाफिल हो गया, नहीं, हम मुफव्वज़ा नहीं है, मुफव्वज़ा नहीं, काम दिया और निगरानी ली, अपनी मर्जी को साथ रखा कि हमारी मर्जी साथ है। एक मकसद के साथ इस कायनात को बनाया है, एक निजाम कुल है जिसके साथ ये कायनात कायम है, एक निजाम आदल है जिस पर यह कायनात गर्दिश कर रही है, इस निजाम कुल को दर्जा कमाल पर एक दिन फायज होना है, हर शय अपने इस्तेदाद पर जाकर कामिल हो जाएगी, इंसानियत को भी अपने मकामात आला पर पहुंचना है, और इन सबकी हिदायत और राहबरी के लिए हमने ये तय किया के सिलसिले से रसूल आए। तो अब हयात खत्मी मरतबा देखिए, सिलसिले से रसूल आए, तो आदम भी आए, नूह भी आए, इब्राहिम भी आए, मूसा भी आए, ईसा भी आए, यूनुस, लूत, ज़िलकिफ़ल, ज़करिया, यहया, शुएब, जितने अंबिया के नाम कुरान में आए वो सब अंबिया है। ऐसा नहीं किया कि कोई नबी काम कर रहा था तो जाते वाजिब ने खफा होकर कहा होगा कि तुम रिटायर हो जाओ,
किसी नबी को हटाया नहीं काम से। आप समझ रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई नबी काम कर रहा हो और ये कहा गया हो कि ये काम गलत हुआ, ये काम गलत हुआ, किसी और से मदद ले लो। ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऐसा भी नहीं हुआ कि अच्छा तुमने किया, बहुत कुछ किया, मगर अब बूढ़े हो गए, अब बस करो, अब ज़ईफ हो गए हो, अब बैलेंस बराबर नहीं है, क्या कह रहे हो समझते नहीं हो, इसलिए हट जाओ। ऐसा भी नहीं किया। 2500 बरस की उम्र है नूह की, दुनिया यहां 63 बरस में परेशान हो गई। दो हजार पांच सौ बरस की उम्र है, हटाया नहीं। और फिर उसके बाद ये कहा कि लकद अरसलना रुसुलना तत्रा, हमने रसूलों को लगातार भेजा, सिलसिला भेजा, बना के भेजा ताकि हमारा इख्तदार का सिलसिला बाकी रहे। अब उसके बाद एक अजीब बात आई और वो काबिल जिक्र है, आप महफूज रखें और जहां जहां आवाज जाए वहां इस फिक्र को महफूज होना चाहिए। सूरह निसा में शाद हुआ कि इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाही व रसूलिही, वो लोग जो अल्लाह से काफिर हुए उसके रसूलों से काफिर हुए। अरे काफी था ये कहना कि जो लोग अल्लाह से काफिर हुए, नहीं, जो अल्लाह से काफिर हुए उसके रसूलों से काफिर हुए। उनका तरीका यह है, युरीदूना अन युफर्रिकू बैन अल्लाही व रसूलिही, उनका इरादा यह है कि अल्लाह में और उसके रसूलों में फर्क डाल दें। यह खत्मी मर्तबत की मंजिल नहीं है, पूरे रसूलों का तस्किरा है। यह कुरान की आयत देखिए, सूरह निसा की आयत है, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाही व रसूलिही व युरीदूना अन युफर्रिकू बैन अल्लाही व रसूलिही, उनका इरादा यह है कि अल्लाह में और उसके रसूल में फर्क पैदा कर दे। भाई फर्क क्यों नहीं है, फर्क तो है ना, वो खुदा है, ये बंदे हैं, वो कदीम है, ये हादिस हैं, वो कादिर हैं, ये आजिज हैं, वो आलिम हैं, ये उसके मजहर हैं, वो वाजिब है, ये मुमकिन है, फर्क तो है ना, फर्क तो है ना। मगर नहीं, इरशाद हुआ खबरदार, वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल के साथ काफिर हो जाते हैं उनका इरादा ये है कि अल्लाह में और उसके रसूल में फर्क डाल दें। युफर्रिकूना बैन अल्लाही व रसूलिही, अल्लाह में और उसके रसूल में फर्क डालें। तो आपने देखा फर्क तो है ना, वो खुदा है, ये बंदे हैं, फर्क कैसा नहीं है। नहीं नहीं, जब नबी हुक्म दे तो फर्क करते हैं कि ये आपका हुक्म होगा, अल्लाह का नहीं होगा। जब कोई हुक्म देता है तो वह कहते नहीं, ये आपका मंशा होगा, ये आपकी बात होगी, ये आपकी ख्वाहिश होगी, अल्लाह की ख्वाहिश नहीं होगी। कहा नहीं, तमाम रसूलों के लिए ये है कि खबरदार, हुक्म रसूल हो, हुक्म खुदा में फर्क ना करो। अगर रसूल अमर करे तो वह हमारा अमर है, जांच के भेजा है, पहचान के भेजा है, आजमा के भेजा है, इम्तिहान लेके भेजा है, मुंतखब करके भेजा है, मुस्तफा बना के भेजा है, अनजान आदमी को नहीं भेजा है, गैर जिम्मेदार को नहीं भेजा है। इसलिए खबरदार, काफिर हैं वो लोग जो युफर्रिकून बैन अल्लाही व रसूलिही, जो अल्लाह में और उसके रसूल में फर्क डालते। يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون, और वो कहते हैं कि نؤمن ببعض ونكفر ببعض, हम बास पे ईमान लाएंगे और बास को तो नहीं मानते। ये दूसरी से, यानी पहले वो ये करते हैं कि फर्क डालना चाहते हैं, और अगर आगे बढ़ जाए तो फिर ये कहते हैं अच्छा ये मानते हैं ये नहीं मानते, ये मानते हैं ये नहीं मानेंगे। तो आपने देखा इख्तदार क्या है,
इख्तदार यह है कि तस्लीम करो तो कुल को तस्लीम करो, इनकार करो तो खुद का इनकार। भाई बहुत अहम बात है, देखिए, तस्लीम करो तो कुल को तस्लीम करो, इनकार करो तो कुल का इनकार। नोमे नोबे बाजिन वो नकफुर बेबाज नहीं। तो आयत को फिर एक मरतबा देखिए, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल से कुफर करते हैं, युरीदून अन युफर्रिकु बैन अल्लाहि व रसूलिही व यकूलून नुमिनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़, और कहते हैं कि हम बास पे ईमान लाएंगे बास को नहीं मानेंगे। व युरीदून अन यत्तखिज़ु बैन ज़ालिका सबीला, और इरादा करते हैं कोई दरमियानी रास्ता निकालें। वो चाहते हैं खुद कि कोई दरमियानी रास्ता निकालें। उलाएका हुमुल काफिरून हक्का, ये खुले काफिर हैं, ये खुले काफिर हैं, दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं। रसूल तेरे कहने के बाद भी दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं कि इसको नहीं मानते उसको मानते, उसको मान लेंगे इसको नहीं मानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा रसूल, जो तुम लाए उसको मानना पड़ेगा, जो तुम कहें उसको मानना पड़ेगा, जिससे रोके रुकना पड़ेगा। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे कि किसी चीज को दुनिया कबूल कर ले और कहे अक्ल इसको मानती है मान लेंगे, अक्ल इसको नहीं मान नहीं मानेंगे। नहीं, तुम्हारा हलाल किया हुआ अमल कयामत तक हलाल है, तुम्हारी हराम की हुई शय कयामत तक हराम है। जिसको मुस्तहब कहोगे मुस्तहब है, जिसको मकरूह कहोगे मकरूह है। जहां इबाहत का हुक्म दोगे इबाहत का हुक्म रहेगा, जहां तुम यह बतला दोगे कि यह कराहत है तो वह कराहत कयामत तक बाकी रहेगी। जिसको तैयब कहोगे वह कयामत तक तैयब है, जिसको नजिस कहोगे वह कयामत तक नजिस। मैं समझता हूं कि जरा सा सूरह निसा पर नजर रहे और उसके बाद आप अंदाजा लगाएं। अब इसके बाद फिर आए और आगे बढ़े। वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही, और वो लोग जो अल्लाह और रसूल पे ईमान लाते हैं, लम युफर्रिकू बैन अल्लाहि व रुसुलिही, लम युफर्रिकू बैनहुम, यानी वो तफरीक ही नहीं करते उनमें, आपस में तफरीक नहीं करते, रसूलों में तफरीक नहीं करते कि ये रसूल और है वो रसूल और है। सबका पैगाम एक है, सबका सिलसिला एक है, सबकी हयात हयात हिदायत है, सबका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। लम युफर्रिकू बैन अहद मिनहुम, उनमें से एक से को भी वो रास्ते से नहीं हटने देते। तो वो बल्कि कहते हैं कि सब के सब साथ हैं, सबका रास्ता एक, सबकी मंजिल एक। तो एक तो ये अमल है कि अल्लाह और उसके रसूल में फर्क नहीं करते, दूसरे ये कि पैगामों में फर्क नहीं करते, सबका पैगाम एक है। क्योंकि इंसानियत को दर्जा कमाल पे जाना है, यह दरसगाह है। कोई कहीं तक तालीम देता है, कोई मुअल्लिम आके कुछ और आगे बढ़ाता है, कोई मुअल्लिम आके कुछ और दर्स देता है, यहां तक कि आला तरीन जमातों तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसी मंजिल पर ये इख्तियार कुल उस इंसान को मिलता है जिसको चुनकर मुंतखब करके पसंद करके मुर्तजा बना के अपने इल्म गैब का हामिल करके उसकी मर्जी को अपनी मर्जी करार दे के ये अख्तियार देता है कि रसूल अब तुमको वो मंजिल अता करते हैं कि फला व रब्बका ला यूमिनूना, नहीं तेरे रब की कसम वो ईमानदार नहीं है। अल्लाह व रब कल्ला यूमिनूना हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम, जब तक के तुझे अपने झगड़ों में हकम न बनाए। उनमें अगर कोई बात पैदा हो तफरीक की तो तुझको हकम बनाए, तुझको अल्लाह व रब कल्ला यूमिनूना हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजदू फी अन्फुसहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा, और जब तू फैसला सुना दे
तो फिर दिल पर उनके गरानी ना हो, उनके दिल कबूल कर लें और तुझको तस्लीम करें जो हक तस्लीम करने का। तो अब रसूल हकम है, रसूल सुप्रीम पावर है, रसूल इख्तदार आला है, रसूल उस मंजिल पर फाइज है कि जहां से जिसके लिए जो हुक्म दे। तो ऐसी मंजिल पर फलसफा, मंतिक, कलाम, साइंस की तरक्कियां सब अपने मकाम पर हैं। हमको किसी से अदावत नहीं है, खुले हैं सबके लिए गर्बियों के मैखाने। उलूम ताजा की सरमस्तियां गुनाह नहीं, खुले हैं सबके लिए गर्बियों के मैखाने। उलूम ताजा की सरमस्तियां गुनाह नहीं, इसी सुरूर में पोशीदा मौत भी है तेरी, तेरे जिगर में अगर सोजे ला इलाह नहीं। उलूम से इनकार नहीं है, उलूम की तरफ जाओ जाओ शौक से जाओ, मगर उन उलूम को लेकर, उन उलूम को लेकर इस्लाम के लिए कोई पैमाना ना ढूंढो, इस्लाम के लिए कोई मेयार न ढूंढो कि हम इतना सब कुछ पढ़ के आए हैं, आओ इस्लाम का मेयार उनको बनाएं। यह गलत है, यह गलत है। कयामत तक के लिए दुनिया जिस मकाम पर जहां तक चली जाए, जहां तक चली जाए, वहां तक पीछे पीछे हिदायत, कुरानी अहकाम उसको बराबर मंजिल तक ले जाएंगे, और जब चाहे वो मुड़ के देखे तो यही देखेगा कि कुरान साथ है, नबी का हुक्म साथ है, और आगे आगे वो कायद है कि जिसको ये हक हासिल है कि वो कियादत करे। तो आपने देखा कि उलूम जदीदा की जद में आकर या अफरंग जदगी की बिना पर हम न सरकार खातम की शान में किसी से कोई गुस्ताखी को सुन सकते हैं, न कोई बेअदबी को बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए कि वो गलत है। गलत है तो तसव्वुर ही गलत है। बहुत दिन हो गए, मुझे याद पड़ता है, बहुत दिन हो गए, कभी किसी वक्त मैंने अर्ज किया था आपसे कि डॉक्टर इकबाल के साथ एक साहब पढ़ते थे लंदन में, सैयद इतरत हुसैन, वो भी फलसफा पढ़ते थे, उन्होंने फलसफे की डिग्रियां भी हासिल की और वो वाकई फलसफी होके रहे। तो उन्होंने किसी मसले पर, फलसफे के उन्वान पर किसी मसले पर इकबाल को एक खत लिखा, तो इकबाल ने उस खत का जवाब दिया। वो जवाब आप सुनिए, उस जवाब का उन्वान ये रखा, एक फलसफा ज़दा सैयद ज़ादे के नाम, उन्वान रखा उसका अपने जवाब का, एक फलसफा ज़दा सैयद ज़ादे के नाम। आपने देखा ये क्या उन्होंने तमीज पैदा की अखबार ने। उस मंजिल पे आके उन्होंने ये चंद शेर लिखे, तू अपनी खुदी अगर न खोता, जुन्नारी बरगसान न होता। बरगसान मशहूर फलसफी है। तू अपनी खुदी अगर न खोता, जुन्नारी बरगसान न होता, हीगल का सदफ गुहर से खाली है, फलसफा उसका सब ख्याली। हीगल कांट और मार्क्स के दरमियान एक वास्ता है कि जहां आप फलसफे जदीद से दो चार होते हैं,
इकबाल कहते हैं हीगल का सदब गोहर से खाली है, फलसफा उसका सब ख्याली, आदम को सिबात की तलब है। यानी मेरे बाप दादा ब्राह्मण थे, मैं खास सोमनाथी हूँ। इकबाल के दादा परदादा ये कश्मीर के पंडित थे, कश्मीर के ब्राह्मण थे, तो उनको कोई बाक नहीं है देखिए अपना नसब छिपाने में, अपना नसब छिपाने में इकबाल को बाक नहीं है। वो ये बतलाते हैं इस्लाम ने क्या एहसान किया। मैं असल का खास सोमनाथी, आबा मेरे लातियो मनाती, मैं असल का खास सोमनाथी, आबा मेरे लातियो मनाती, तू सैयद हाशमी की औलाद, मेरी कफ़काक बरहमनजाद, तू सैयद हाशमी है, मैं ब्राह्मण की औलाद हूँ, है फलसफा मेरे आबो गिल में, पैवस्ता है रीशहाए दिल में। इकबाल अगरचे बेहुनर है, उसकी रग रग से बाखबर है, शोला है तेरे जुनून का बेसोज, सुन मुझसे ये नुक्ते दिल अफरोज। सैयदजादे के नाम, फलसफा जदा सैयदजादे के नाम, इकबाल खुद फलसफा पढ़ चुके हैं। शोला है तेरे जुनून का बेसोज, सुन मुझसे ये नुक्ते दिल अफरोज, दिल दर सुखने मोहम्मदी बंद। अरे मोहम्मद की बातों में दिल लगा, दिल दर सुखने मोहम्मदी बंद, आए पूरे अली जबू अली चंद, आए अली के बेटे बू अली सीना की बातें कब तक करेगा। सुन मुझसे ये नुक्ता है दिल अफरोज, दिल दर सुखने मोहम्मदी बंद, दिल को मोहम्मद की बातों में लगा, अरे पूरे अली जबू अली चंद, तू अली का बेटा है, बू अली सीना से तुझे क्या ताल्लुक है, फलसफे से तुझे क्या ताल्लुक है। तो देखा आपने इकबाल की ये कितनी कामयाब जद थी कि मैं बाहर से आया तो यूं गिरविदा हुआ, और तू घर में रह के बाहर भागना चाहता है। इसलिए अकल की दुनिया का फैसला यह है कि इंसान बार बार पार्टी न बदले, सियासत हो के मजहब, पार्टी न बदले, जिसके हो गए हो गए। और फिर जब कुरान साथ हो, अकल साथ हो, अकीदा साथ हो, दीन साथ हो, तो फिर ये तजलजुल कैसा हो। फिर ये तजलजुल कैसा, इंसान मुतजलजल क्यों रहे। फिर बारगाह खत्मी मर्तबत, वो रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह, उसके मुतालिक शकूक कैसे, शुबहात कैसे, कि जहां ये कहा जाए कि यहां तक ले लेंगे तो यहां से नहीं लेंगे, जहां से नहीं लेंगे वहीं धोखा खाएंगे, वहीं धोखा खाएंगे, और वहीं से रास्ता कट जाए, वहीं से रास्ता कट जाएगा। इसलिए अजीजा ने ग्रामी तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से खुदा गवाह है, उसी को लीजिए, उसी को लीजिए जिसको मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी ने लिखा, उसी को लीजिए जिसको मुस्लिम ने हज्जाज साहेब सही मुस्लिम ने लिखा, उसी को लीजिए जिसको सुनन अबी दाऊद में लिखा गया, उसी को लीजिए जो तिर्मिजी में है, उसी को लीजिए जिसको इमाम अहमद इब्ने हंबल ने लिखा, उसी को लीजिए। यानी यह नहीं कि सहा सित्ता से हट के लीजिए, ये छह जो सही किताबें हैं इन्हीं से लीजिए।
انہیں سے لیجئے اور اس منزل پہ آگے لیجئے کہ جہاں رسول نے فرمایا, بخاری, مسلم, احمد, حنبل سبوں نے علیہ الرحمہ اور علیہم الرحمہ سبوں نے یہ لکھا کہ بے اختیار کہا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, فاطمہ تو بزوتم منی, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. تعجب کا کیا مقام ہے, تعجب کا کیا مقام ہے, کیا محبت پدری سے کہہ دیا, کیا خاکم بدہن اس تعلق خاطر سے کہا جو باپ کو بیٹی سے ہے, کہ جس نے زہرہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. تو قبول کرے تو سب کو قبول کرے, سب کو قبول. زہرہ کو اذیت دی جس نے, اس نے مجھے اذیت دی. یقیناً زہرہ کو اذیت ہوئی ہوگی شام کے دربار میں, کیا خیال ہے, زہرہ کو اذیت ہوئی ہوگی, زہرہ کا دل دکھا ہوگا کہ اس کی بیٹیاں آئی ہیں بے پردہ, یقیناً زہرہ کو اذیت ہوئی ہوگی. اتنی اذیت, اتنی اذیت کہ یہ آپ کے مقاتل کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں, اور تاریخ بھی میں حوالہ دے دوں, یہ طبقات ابن سعد کا جملہ ہے کہ جس تخت پہ یزید بیٹھا ہوا تھا اس کے پیچھے ایک سبز پردہ تھا, اس سبز پردے کے پیچھے کنیزیں بیٹھی ہوئی تھیں. کچھ ایسی ہی باتیں ہوئیں کہ ایک مرتبہ ایک کنیز ننگے سر ردا پھینک کے باہر آئی. یزید نے گھبرا کے کہا تو میری ناموس ہے, تو دربار میں آ گئی. تو اس نے کہا خاک پڑے تیرے ناموس پر, میں ابھی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی, فاطمہ زہرا کی آواز آئی, زہرا کی آواز آئی, وہ پکار رہی تھی ارے میری بیٹی دربار میں آئی ہے. الہی و سیدی و مولایا ہم کا کام لیما, ہمارے حوائج دینی دنیا بھی بدلاؤ, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرما, تعجیل